और बाइक हो गई है ख़राब, लगता है बैटरी ने जवाब दे दिया है और मैकेनिक को बुलाया है, चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें आखिर में। कल इसको चार्ज में दिया था, पूरे दिन चार्ज हुई और अभी चेक करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, तो बैटरी को चेक करवाना होगा, इसे लेके एक्साइट केयर जाना पड़ सकता है। इस बैग में है हमारी बैटरी, लेके चलते हैं इसको। तो अभी बाइक बनी नहीं है, एक्चुअली पीछे से अशोक धक्का दे रहा है और मैं चल रहा हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। और इन भाई साहब का देख लो, लग रहा है धुएं की फैक्ट्री खोल रखी है। ऐसी गाड़ियाँ क्यों चलाते हो भाई? तो दोस्तों कल हुआ ये था कि मैं गया था एक्साइट के सर्विस सेंटर, तो उन्होंने बोला कि बैटरी आपकी सही है और आप वायरिंग चेक करवाइए। तो मैंने फिर डिसाइड ही कर लिया कि इधर उधर ना दिखा के मैं सीधे सर्विस सेंटर ही चलता हूँ, क्योंकि ये लोग इधर उधर टहलाते रहेंगे, बनने जाना कुछ है नहीं। मेरी हेल्प करने के चक्कर में भाई का चालान भी कट गया, क्योंकि भाई ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। चलो कोई नहीं, आप पहन के रखना बिना हेलमेट के, कभी गाड़ी में चलाना। तो अभी हम पहुंच गए हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर, यहाँ पे अपनी बाइक बनने वाली है, उसके बाद फिर हम चलेंगे। रुम रुम। पावर ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, चेक करना पड़ेगा सर। तो बाइक रेडी है बनके हमारी, अब यहाँ से निकलते हैं। इसका सेल्फ नहीं काम करेगा, मुझे किक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो जो बियरिंग है वो निकलवा दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चंद्रा, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल बाइक बाज पे। तो दोस्तों जब से मैं दिल्ली में आया हूँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते जा रही हैं। यहाँ पे आने के बाद मेरी बाइक बंद पड़ गई थी, फिर उसे मैंने मैकेनिक को दिखाया। मैकेनिक ने बोला कि भैया इसकी बैटरी ख़राब हो गई है। मैंने बैटरी चार्ज में दी, एक दिन उन्होंने बैटरी चार्ज करी, उसके बाद फिर बैटरी को बाइक में लगाया। बाइक में लगाने के बाद उन्होंने फिर से चेक किया, फिर से बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी बैटरी ख़राब है, आप इसे चेंज करवा दो। तो मैंने कहा भाई 7-8 महीने पहले मैंने बैटरी लगवाई थी, ख़राब कैसे हो सकती है। फिर मैं गया एक्साइट केयर बैटरी लेके, वहाँ पे उन्होंने चेक करी, उन्होंने कहा कि बैटरी आपकी बिल्कुल सही है, आप कहीं अपनी वायरिंग चेक करवाइए, क्योंकि वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे लोकल में दिखा के यहाँ वहाँ दिखाऊँगा, परेशान होते रहूँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाइक को सीधे रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में लेके चलूँगा। तो सो मैं बाइक को रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में लेके गया। वहाँ जाके पता चला कि रॉयल एनफील्ड का जो एमीटर होता है जिसमें करंट बताता है, वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। और उसके साथ ही एक और प्रॉब्लम निकल के आई कि उसकी जो सेल्फ है, सेल्फ की एक बेयरिंग ख़राब हो गई थी, जो लगभग 5500 रुपये की लगने वाली थी। और मैं एक्साइट केयर और एक्साइट इंडिया से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप अपने कस्टमर केयर और कस्टमर सपोर्ट वालों को और दुरुस्त करिए, क्योंकि वो ऐसा एकदम रिस्पांस नहीं देते हैं कि उन्हें कस्टमर की चिंता है। और थैंक्स टू अशोक कि उसने धक्के दे दे के मेरी बाइक को सर्विस सेंटर पहुंचाया। और दोस्तों अभी मैं हूँ किला राय पिथौड़ा पार्क में या लाइब्रेरी में। वैसे दिल्ली में तो बहुत भीड़ है, हर जगह जहाँ आप जाएंगे वहाँ भीड़ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भीड़ नहीं दिखेगी। चलिए दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस पार्क का कोना कोना दिख रहा है यहाँ से। गिने चुने लोग हैं, we'll be right back.
हो चुकी प्रॉब्लम्स की बातें, बोरिंग बोरिंग बातें, तो इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और ले चलते हैं दिल्ली की सड़कों पे और कुछ दिल्ली की चीज़ें भी आपको दिखा देते हैं इसी। जिन्होंने गेस कर लिया कि मैं कहाँ हूँ तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने गेस नहीं किया कि मैं कहाँ हूँ, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अभी हूँ छतरपुर टेंपल पे। दोस्तों ये दिल्ली का एक बड़ा टेंपल है जहाँ पे रोड के दोनों साइड में टेंपल बने हुए हैं और बड़े ढेर सारे मंदिर यहाँ पे हैं, लगभग सभी भगवान के मंदिर यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है, तो वो है हनुमान जी की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, झंडे वालान के बाद दिल्ली में एक जो सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान जी की, वो छतरपुर मंदिर में है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया ये था आज का पूरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके भाई ने बहुत सारी मेहनत की है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई मेरे, क्योंकि आपका भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये यार ऐसी शानदार शानदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहेगा। और अगली वीडियो तक के लिए बजरंगबली का नाम लीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।